बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको किचन फंडामेंटल्स में। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं स्पेशल सा ब्रेकफास्ट, इजीएस्ट सा ब्रेकफास्ट, यानी कि स्पेनिश ऑमलेट। तो जी, झटपट बनने वाला बहुत ही इजी फ्रीजी सा काम है। तो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया जी घी पैन में, इसको गर्म होने दिया, मेल्ट होने दिया। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे पोटैटो क्यूब्स, उसको फ्राई होने के लिए। इतना हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये टोटली पक जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑमलेट को कुक नहीं करना। नहीं नहीं जी, यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अंडों को पकाएंगे, ठीक है, लेकिन एक मेथड के साथ, क्योंकि ये स्पेनिश ऑमलेट है। स्पेनिश ऑमलेट में पहले आलू और प्याज को पकाया जाता है, एक अनदर पैन में इसको फ्राई किया जाता है बकायदा, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज को फ्राई किया जाता है। टोटली इसको कुक कर लिया जाता है, क्योंकि जी ये ऑमलेट बनता है स्लो फ्लेम में, या तो इसको बेक किया जाता है, ठीक है। हम भी स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, लेकिन आलू और प्याज के पकने के बाद, ठीक है। पहले जी हम यहाँ पे पोटैटोज हैं उनको, ब्रेटो क्यूब्स हैं, यहाँ पर एक आलू था, ठीक है, सिंपल सा जो नॉर्मल साइज़ होता है, उसको यहाँ पे छील लिया, छील के इसके क्यूब्स कर लिए। और अनियन भी हमारे पास एक स्मॉल ही था, उसको भी हमने फाइनली चॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्योंकि 2 egg यूज़ कर रही थी 1 serving के लिए, तो मैंने यहाँ पर जस्ट थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, यानी कि थोड़ी मिकदार में ली, जिसको 1 serving में ऐड किया जाता है, उतनी चीज़ें ली हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेनिश ऑमलेट बनता है, क्योंकि ये फ्लफ़ी बनता है, बहुत ज़्यादा जो है ये स्पॉन्जी सा होता है, तो इसको बनाने के लिए आपको 1.5 egg की ज़रूरत होती है। आप 5 to 6 या 7 to 8 भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप 1.5 egg या 1.5 उसका मटीरियल यूज़ करेंगे ना, मटीरियल नहीं सॉरी क्वान्टिटी जब उसकी ज़्यादा कर देंगे एग्स की, तो ये खुद ब खुद ही जो है वो स्पॉन्ज बन जाएगा, यानी कि हैवी हो जाएगा ये। यहाँ पर जी क्योंकि 2 eggs थे, ठीक है, 2 egg को हम यहाँ पे बोल में निकाल लेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसको फेंट लेना है, यानी कि इसकी पटाई कर देनी है, ठीक है। आप ये अच्छे से फेंट जाए तो इसमें जी 1/4 teaspoon इसमें काली मिर्च, और 1/4 teaspoon या अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें सॉल्ट भी चला जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, और जब हमारे आलू और प्याज जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, देन आप इसको कर लीजिएगा ऐड एग को, ठीक है। ये तो बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर थी जी 2 eggs, तो मैंने एक ही पैन के अंदर सब कुछ बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये 5 to 6 egg का बना रहे हैं, तो तब आप 1.5 यानी कि 2 से 3 पोटैटो ले लेंगे क्यूब्स करने के लिए, और प्याज भी ज़्यादा आप ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक नदर पैन में इसको पहले बना कर रख लेंगे, ठीक है, कुक करके रख लेंगे, फ्राई करके रख लेंगे, देन आप जो है ऑमलेट जब बना लेंगे कि फिर आप एक नदर पैन में इसको रखेंगे बनाकर, ठीक है ना। बात समझ रही है, लग रही है ना, यानी कि खुले तेल में आपने पहले फ्राई करना है आलुओं को और प्याज को, ठीक है। देन उसके बाद आपने नॉर्मल सा जो ऑयल है उसको बनाने के लिए, एग को बनाने के लिए फिर ऐड करना है अनदर पैन में। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एग जो है वो ऑयल लिया था, ताकि जी जो पोटैटो है वो भी इसी में ही पक जाएँ, और इसी में ही जो है वो एग भी कम्प्लीट हो जाए। तो जी हर बार की तरह हमने थोड़ी सी यहाँ पे रखी थी ओरिजिनल वॉइस भी, ताकि आप इसकी फ्राई होने वाली भी वॉइस इसकी एंजॉय कर सके, ठीक है। तो जी एंजॉय करें, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया।
ओके जी, अब हमने यहाँ पर आलू और प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया जी 1 कप कैबेज, और 2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए जिन्होंने ये समझा कि इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। भाई चीज़ क्यों ऐड करूँगी, ये हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट है तो इसमें कैबेज जाएगी। ठीक है, तो ये कि इसमें हम कैबेज, ठीक है, और आलू और प्याज यानी कि सब्ज़ियों में हमने नमक अभी तक नहीं डाला था, तो नमक में कोई खास इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसने जो है ना कोट हो जाना है कम्प्लीटली जो है ये एक अंडे के साथ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमने इसमें डाल दिया चुटकी भर नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। ठीक है, तो अब करके हमने इसमें ऐड कर देना है एग। एग को जब भी आपने डालना है ना तो आपने इसको जी करना है आपने इक्वली 9.5 घंटे पे करना है। ठीक है, मैंने क्योंकि एक साइड पे पहले ही कर दिया, देन फिर मैंने उसको मिक्स करके बहुत अब फ्लो जो फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा यानी कि ना मीडियम पे आ गई ताकि जो है ना एग है वो पक ना सके, ठीक है, कुक ना हो सके। ठीक है, तो जी यहाँ पर पहले मैंने उसको मिक्स करके ना इसको साइड पर तक ले आई ताकि ये पक जाए, और अब हम इसको रख देंगे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक। ठीक है, 5 मिनट तक आपने इसको बहुत ही माइनर सी स्लो सी फ्लेम पे आपने रखना है ताकि ये अच्छे से ना पक जाए और ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा यानी कि स्पॉन्जी सा अपना टेक्सचर लेकर आएगा। तो जी यहाँ पर ये थोड़ा सा पक गया था, अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप क्योंकि ये एक का ही था तो ये आराम से फ्लिप हो गया था, अगर ये ज़्यादा का होता ना तो मैं क्या करती, मतलब कि ये 2 एग थे ना तो ये आराम से हो गया था पैन में ही पलट गया था, फ्लिप हो गया था, लेकिन अगर ये ज़्यादा एग होते तो हम इसको पहले प्लेट में निकालते, ठीक है, फिर दोबारा इसको फ्लिप करते, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके टूटने का ज़्यादा खतरा होता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर जी स्पंज ऑमलेट जो है ना, स्पंज कह रही थी स्पेनिश ऑमलेट जो है ना वो तैयार हो गया हुआ था। यहाँ पर यहाँ तक ही इसकी रेसिपी होती है। यहाँ पर जी हमने खुद सजा देते हैं, थोड़ा प्यारा प्यारा लगे, थोड़ा सा जी टोमेटो भी ऐड कर देते हैं हमारे फेवरेट, थोड़ा सा फाइबर भी मिल जाएगा मज़ीद। तो जी हमने इसको थोड़ा सा नहीं क्यूटू सा थोड़ा सा प्यारा सा सजा लिया। तो जी आपने ये बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, इजी फ्रीजी सी है, फटाफट हो जाती है, आपको बैलेंस जो है ना प्रॉपर एक बैलेंस जो ब्रेकफास्ट है आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, पोटैटो है आप वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो है कैबेज से आपको जो है फाइबर मिल जाएगा, और अंडे से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटली आपका ये एक ब्रेकफास्ट हो सकता है बैलेंस ब्रेकफास्ट। ठीक है, लास्ट में जी हम इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे जस्ट फॉर टोमेटोस, लेकिन ये गया था एग के ऊपर। फिर हम इसको फिर से डाम देंगे क्योंकि अब हमने इसको उस साइड से यानी कि निचोड़ साइड से इसको पकाना था। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स फिर रखा था। ठीक है, और फिर हमने इसको निकाल लिया अपनी सर्विंग डिश में। तो जी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने करना है वीडियो को लाइक और अपनी कीमती राय का इजहार करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपने जी करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली मोर जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ना आप तक ज़रूर पहुंच सकें और थोड़ी सी गपशप भी चलती रहे। इसको जी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको जी इजी फ्रीजी सा ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है बनाना भी और खाना भी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं कम्प्लीट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।